बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था जिसके केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य की प्रजा बहुत ही खुशहाल और धनवान थी। सब लोग एक साथ मिलकर खुशी से जीवन यापन करते थे और अपने राजा का सम्मान करते थे, क्योंकि उस राज्य का राजा एक बुद्धिमान और प्रतापी व्यक्ति था। एक बार राजा के मन में यह विचार आया कि क्यों ना अपनी एक तस्वीर बनवाई जाए। राजा के आदेश पाकर देश और विदेश से कई महान चित्रकार राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि उनकी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई जाए। राजा के इस आदेश से सारे चित्रकार सोच में पड़ गए कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, इसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जाए, यह तो संभव ही नहीं है। और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देगा। यह सोचकर सभी चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी उन चित्रकारों की भीड़ में से एक हाथ ऊपर उठा और आवाज़ आई, मैं आपकी बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको निश्चित ही पसंद आएगी। चित्रकार ने राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की तो राजा उस तस्वीर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। यह देखकर वहां खड़े सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पर बैठा हुआ था और एक आंख बंद कर अपने शिकार पर निशाना साध रहा था। राजा यहां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि चित्रकार ने उसकी कमजोरी को छुपाकर बहुत ही चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई। राजा ने खुश होकर उस चित्रकार को बहुत सारा धन दिया। तो दोस्तों, क्यों ना हम भी चित्रकार की तरह दूसरों की कमजोरियों को नज़रअंदाज कर उनकी अच्छाइयों पर ही ध्यान दें। जरा सोचिए, अगर हम दूसरों की कमियों का पर्दा डालें और बुराइयों को नज़रअंदाज करें तो एक दिन दुनिया की सारी बुराइयां ही खत्म हो जाएगी और सिर्फ अच्छाइयां ही रह जाएगी।